Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS. आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 6 मैथ्स एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1 राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999 स्टूडेंट्स यहाँ पर आपसे बोला गया है कि आपने 10,999 के आगे थ्री नेचुरल नंबर रिटर्न करने हैं। आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर फाइंड करने के लिए हमें प्लस वन करना होता है। सो राइट हियर द नेक्स्ट थ्री नंबर्स आफ्टर 10,999 आर 10,900। इसमें प्लस वन करेंगे तो ये 9 + 1 = 10 हो गया। कैरी ओवर 1, देन 9 + 1 = 10, देन 9 + 1 = 10, 10 + 1 = 11। इस तरह से ये हो गया 11,000। इसके बाद में आप इसमें मीन्स 11,000 में 1 ऐड करें तो ये 11,001 हो गया। 11,001 में 1 ऐड करें तो ये 11,002 हो गया। क्वेश्चन 2 Write the three whole numbers occurring just before 10,001. Students, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपके पास में एक नंबर 10,001 है। आपने इसके जस्ट बिफोर थ्री होल नंबर्स रिटर्न करने हैं। आंसर करते हैं थ्री होल नंबर अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001 आर। आप जानते हैं जस्ट बिफोर नंबर के लिए हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना होता है, इसीलिए आप 10,001 से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो इसका आंसर 10,000 हो गया। आफ्टर ये 10,000 से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो ये 9,999 हो गया। नाउ 9,999 से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो ये 9,998 हो गया। क्वेश्चन 3 विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। इस क्वेश्चन में आपसे आस्क किया गया है कि सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है। आंसर करें द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो। जो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है वो जीरो होता है और सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो वन होता है। क्वेश्चन 4 हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपने फाइंड करना है कि 32 और 53 के बीच में टोटल कितने होल नंबर्स होते हैं। आंसर करते हैं द होल नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53 आर। जो इसका सबसे इजी तरीका है फाइंड करने का, आप 33 से लेकर के 53 तक टोटल नंबर काउंट कर लें, इसके बाद में 32 और 53 इन दोनों नंबर्स को छोड़ दें। जो रिमेनिंग नंबर हैं 33 से लेकर 52 इन सब को प्रॉपरली काउंट कर लें, ये टोटल नंबर 20 हैं। आंसर रिटर्न करें देयर आर 20 होल नंबर बिटवीन 32 एंड 53। ये मेथड इजी तो है बट थोड़ा लेंथी है, इसके लिए आपको बहुत ही शॉर्ट वे एक्सप्लेन करते हैं। सी सेकंड मेथड, या सेकंड मेथड करते हैं। इसके लिए आप 53 - 32 कर लें, आपका आंसर 21 होगा। इसके बाद में 21 से 1 सब्ट्रैक्ट कर लें तो आंसर 20 हो गया। आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हमने यहाँ 1 एक्स्ट्रा क्यों सब्ट्रैक्ट किया है। एक्चुअल बात ये है कि जब बिटवीन नंबर होते हैं तो उसमें फर्स्ट और लास्ट दोनों काउंट नहीं किए जाते, इसीलिए हमको 1 एक्स्ट्रा लेस करना होता है।
क्वेश्चन 5, राइट द सक्सेसर ऑफ पार्ट ए 24,40,701, पार्ट बी 1,199,000, पार्ट सी 10,99,999, पार्ट डी 23,45,670। सॉल्व करते हैं। सक्सेसर्स आर, आप जानते हैं कि हम सक्सेसर फाइंड करने के लिए उन्हें प्लस वन करते हैं। पार्ट ए है 24,40,701, आप इसमें प्लस वन करेंगे तो 24,40,702 हो गया। सेकंड है 1,199,000, आप इसमें प्लस वन करें तो ये 1,200,000 हो गया। पार्ट सी है 10,99,999, आप इसमें प्लस वन करें, प्रॉपरली ऐड करें तो ये 11,00,000 हो जाता है। पार्ट डी है 23,45,670, इसमें प्लस वन करें तो ये 23,45,671 हो जाता है। क्वेश्चन 6, राइट द प्रेडिसर्स ऑफ, इसमें हमने प्रेडिसर्स फाइंड करना है। पार्ट ए है 94, पार्ट बी है 10,000, पार्ट सी है 2,08,090, पार्ट डी है 76,54,321। इनके आंसर करते हैं। द प्रेडिसर्स आर, आप जानते हैं प्रेडिसर्स फाइंड करने के लिए हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो ये 94-1=93, 10,000-1=9,999, 2,08,090-1=2,08,089, पार्ट डी 76,54,321-1=76,54,320। क्वेश्चन 7, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर्स इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो राइट देम बिटवीन द एप्रोप्रिएट साइन ग्रेटर एंड स्मॉलर बिटवीन देम। स्टूडेंट्स, यहाँ आपने फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा नंबर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा और कौन सा नंबर राइट हैंड साइड में जाएगा। वैसे तो ये करना बहुत इजी है, जो स्मॉलर नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड में हुआ करता है और ग्रेटर नंबर राइट हैंड साइड में। यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप अपने रफली एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें। इसमें आपको 530 यूज नहीं करना है, आप 0 to 10 ही कर लें, उसी से पता हो जाएगा कि ऑल स्मॉलर नंबर आर एट लेफ्ट हैंड साइड एंड ग्रेटर नंबर आर ऑन राइट हैंड साइड। सॉल्व करते हैं। ए, इसमें आप करें 530 इज ग्रेटर देन 503, सो 503 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 530 ऑन द नंबर लाइन। बी, इसमें 730 इज ग्रेटर देन 307 है, सो राइट 307 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 370 ऑन द नंबर लाइन। पार्ट सी, इसमें 98,765 इज ग्रेटर देन 56,789 है, सो राइट 56,789 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 98,765 ऑन द नंबर लाइन। पार्ट डी, सिंस 98,30,415 इज स्मॉलर देन 1,23,001, सो राइट 98,30,415 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 1,23,001 ऑन द नंबर लाइन।
क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपने रिटर्न करना है कि विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच इज फॉल्स। पार्ट ए है, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। आपने बताना है कि 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। यस, ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज 0 इज नॉट नेचुरल नंबर। आप जानते हैं 0 नेचुरल नहीं, 0 होल नंबर हुआ करता है। पार्ट बी, 400 इज द प्रेडिसर्स ऑफ 399। इसमें आपने बताना है कि 400 जो है 399 का प्रेडिसर्स होता है क्या? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द प्रेडिसर ऑफ 399 इज 398 होता है। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, 399 - 1 = 398। पार्ट सी, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। आपने बताना है क्या 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। पार्ट डी, 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। आपने बताना है क्या 600 जो है 599 का सक्सेसर है। यस, स्टेटमेंट इज टू, 600 जो है 599 का सक्सेसर है। इसे वेरीफाई कर सकते हैं, 599 में प्लस 1 करें तो ये 600 ही होता है। पार्ट ई, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। आपने बताना है क्या ऑल नेचुरल नंबर्स जो है होल नंबर होते हैं। यस, स्टेटमेंट इज टू, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। पार्ट एफ, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। इसमें आपने बताना है कि क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। पार्ट जी, द प्रेडिसर ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट। इसमें आपसे बोला गया है क्या टू डिजिट का प्रेडिसर कभी भी सिंगल डिजिट नहीं हो सकता। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों? व्हाई? बिकॉज प्रेडिसर्स ऑफ 10 जो है टू डिजिट नंबर है, बट इसका प्रेडिसर्स 9 होता है जो कि सिंगल डिजिट नंबर है। h, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या 1 जो है सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है? फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 जो है सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर हुआ करता है। I, द नेचुरल नंबर्स 1 हैज नो प्रेडिसर्स। यहाँ आपसे बोला गया है क्या 1 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई प्रेडिसर नहीं होता। ट्रू है। द प्रेडिसर्स ऑफ 1 इज 0। 1 का प्रेडिसर्स होता तो है जो कि 0 है, बट आप जानते हैं कि 0 जो है नेचुरल नंबर नहीं होता, वह तो होल नंबर होता है। सो राइट, द प्रेडिसर्स ऑफ 1 इज 0 बट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। आई, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसर्स। यहां आपसे बोला गया है कि जो नेचुरल नंबर 1 है क्या उसका प्रेडिसर नहीं होता। ये स्टेटमेंट ट्रू है। प्रेडिसर्स ऑफ 1 इज 0 बट नॉट अ नेचुरल नंबर। जे, द होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसर। जो नेचुरल नंबर 1 है क्या उसका कोई प्रेडिसर नहीं होता। ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज 0 इज द प्रेडिसर्स ऑफ 1। 0 जो है 1 का प्रेडिसर होता है एंड इज अ होल नंबर और यह होल नंबर होता है। के, द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। यहां आपसे बोला गया है कि जो होल नंबर 13 है
क्या वो 11 और 12 के बीच में आता है? नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 13 डज नॉट लाई बिटवीन 11 एंड 12। 13 तो 11 12 के बीच में नहीं, ये तो 12 के आफ्टर होता है। पार्ट एल, द होल नंबर 0 हैज नो प्रेडिसर्स। आपने बताना है कि जो होल नंबर 0 है क्या इसका कोई प्रेडिसर नहीं होता। द स्टेटमेंट इज ट्रू, द प्रेडिसर ऑफ 0 इज -1, क्योंकि 0 का जो प्रेडिसर है वो -1 होगा एंड -1 इज नॉट अ होल नंबर। पार्ट एम, द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। यहाँ आपसे बोला गया है कि क्या सभी 2 डिजिट नंबर का जो सक्सेसर है वो ऑलवेज 2 डिजिट नंबर ही होता है। नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि 99 जो है 2 डिजिट नंबर है। आप इसका सक्सेसर निकालें, 99 में 1 ऐड करें तो ये तो 100 हो जाएगा और 100 तो 3 डिजिट नंबर हो गया। राइट, ये एज द सक्सेसर ऑफ 99 इज 100।